इंस्टाग्राम पे लाइव देख रहे हैं आप सभी का हम इस्तकबाल करना चाहते हैं हमारे पार्ट फोर में एक्स मुस्लिम जो एग्नोस्टिक या एथिस्ट या जो बोले अपने आप को वो मुरतद जो बोल रहे हैं कि हमने इस्लाम छोड़ दिया उनके खिलाफ एक हम लोग इलमी बहस करते हैं इसमें जिसमें हम लोग उनके जो एतराजात है इस्लाम के बारे में उसका हम लोग जवाब देते हैं कुरान से सही हदीस से रीजन लॉजिक से उससे हम लोग उनका जवाब दे रहे हैं तो हम लोग जैसा कि इंडिया टीवी का एक डिबेट जो आया था जिसमें वो लोग बैठ करके तमाशा कर रहे थे जिसके बाद हम लोगों ने अपने ये सीरीज को स्टार्ट किया था तो ये खुशी की बात है कि इंडिया टीवी के उस डिबेट को हटा दिया गया है अगर अभी आप यूट्यूब पे जाइएगा और उस इंडिया टीवी के डिबेट को देखिएगा मैं एक्स मुस्लिम हूं करके जो उन्होंने अपना डिबेट रखा था उसमें आप जाइएगा तो वहां पर वो डिबेट नहीं मिलेगा आपको अब ये किसके वजह से हुआ क्या रीजंस रहे उसके पीछे में क्यों हटा दिया गया है उस डिबेट को जिसमें ऑलमोस्ट मोर देन फाइव मिलियन व्यूज थे पांच मिलियन यानी पचास लाख व्यूज से ज्यादा जिसमें थे उसको उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी हटा दिया है और उसके बाद क्योंकि हम लोग उनका रिप्लाई जो दे रहे हैं तो इसलिए हम लोग अब देखते हैं जो जो उनके मेन पॉइंट्स है उसको हम लोग इन शह यहाँ पर डील करेंगे क्योंकि उसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा जो इंडिया टीवी पे डिबेट आया था और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी बातें गलत फैलाई इस्लाम के बारे में और बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं हमारे यूट्यूब के ऊपर में और भी साथ ही साथ और भी चैनल्स के ऊपर में व्हाट्सएप के ऊपर में भी हमारे पास मैसेजेस आए कि आप उनसे डिबेट करो जो लोग फेक एक्स मुस्लिम है बहुत सारे लोग फेक एक्स मुस्लिम है Fake मतलब कि वो लोग एक्स मुस्लिम नहीं है लेकिन अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं जैसे कि एक सीकर है जो आता है उन्हीं के साथ एक्स मुस्लिम साहिल के साथ वो आता है डिबेट्स में बहुत बैठा रहता है जो कि क्रिश्चियन मिशनरी है लेकिन वो अपने आप को पोर्ट्रे करता है एज एन एक्स मुस्लिम क्यों ऐसे वो लोग करते हैं क्यों वो लोग पोर्ट्रे करना चाहते हैं अपने आप को एज एन एक्स मुस्लिम एंड नॉट एज 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 अ अ अ क्रिश्चियन हिंदू और फॉलोअर ऑफ एनी अदर पाथ कि कि वो लोग ये क्यों करना चाहते हैं सिर्फ अपने आप को एक्स मुस्लिम बताना क्यों चाहते हैं और क्यों अपने आप को वो लोग नहीं दिखाना चाहते कि वो क्रिश्चन है या वो लोग लो हिंदू धर्म के मानने वाले हो गए हैं या वो लोग एग्नोस्टिक है ये क्यों नहीं बताना चाहते है? तो मैंने पहले भी इसके ऊपर बताया कि वो लोग सिर्फ नफरत फैलाना चाहते हैं। उनके पास अपने पास कुछ नहीं है दुनिया को ऑफर करने के लिए दुनिया को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है एक्सेप्ट फॉर हेट नफरत के अलावा और साथ ही साथ मैंने जो बात बोली थी पार्ट वन अगर आप मेरा इस वीडियो के जाके देखिएगा तो मैंने उसमें बोला था ये बात जो कि उसको अप्रूव कर रहे हैं कौन अप्रूव कर रहा है हमारे एक भाई है समीर एक्स मुस्लिम भाई समीर जो कि इस बात को अप्रूव करते हैं एक लाइव स्ट्रीम चल रहा था जिसमें वो अपनी बात को अप्रूव करते जो मैं चाहता हूँ यहाँ पे चलाना है कि उसको हिंदू बन जाना आ, चाहिए तब हम सपोर्ट करेंगे वो... या उनको फला रिलीजन में आ जाना चाहिए तब हम सपोर्ट करेंगे लेकिन जयदेवी सिस्टर आप तो इस्लाम के अंदर से निकली हैं क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर कोई भी इंसान एक रिलीजन को छोड़ करके दूसरे रिलीजन में चला जाता है तो वहाँ दो चीज़ें कहा कुछ का ख़त्म हो जाता है एक तो पिछले रिलीजन के ऊपर सवाल पूछने का क्योंकि तो भाई आपको सही नहीं लगा आपने छोड़ दिया दूसरे में चले गए कहानी ख़त्म दूसरा आपको लोग जो है इसलिए सीरियस नहीं सुनते हैं क्योंकि वो ये जानते हैं कि आप दूसरे रिलीजन के अंदर चले गए हैं तो डेफिनेटली बाकी रिलीजन आपके लिए गलत है और आप उस उसपे बात करेंगे ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एक एक्स एक्स मुस्लिम मुस्लिम सिर्फ बन करके तो मतलब ये साफ यहां पर दिखाना चाह रहे हैं ये बताना चाह रहे हैं कि क्यों ये एक्स मुस्लिम अपने आप को बता रहे हैं और क्यों नॉट एज अ क्रिश्चियन नॉट एज अदर कोई भी अदर धर्म के फॉलो करने वाले क्यों नहीं बताना चाह रहे क्योंकि इनको पता है कि अगर हम अपने आप को क्रिश्चियन बता दे अगर एडम सीकर अपने आप को क्रिश्चियन बता दे वहां पर तो उसका जवाब उसी का बाइबल उसको दे देगा उसका जो सवाल है उसके अगर वो स्लेवरी पे हमसे सवाल करेगा तो उससे ज्यादा कोटेशन और उससे ज्यादा भयानक वर्सेज उसके बाइबल में है जो कि स्लेवरी को लेकर के तो ये उनका डबल स्टैंडर्ड जाहिर हो जाएगा ये उनका दोगलापन जो है वो जाहिर हो जाएगा सबके सामने कि तुम बोलते हो तुम्हारे किताब में खुद स्लेवरी है और तुम हमको दिखा रहे है कि इस्लाम में स्लेवरी है ठीक है तो इसलिए वो बोलते इसलिए हम लोग अपने आप को क्या कहना चाहते हैं एज एन एक्स मुस्लिम। ये अपने मुंह से वो कबूल कर रहे हैं जो कि मैंने पहले भी ये बात बोला था कि वो क्यों एज एन एक्स मुस्लिम अपने आप को पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं बहुत सारे फेक है बहुत सारे अक्सर फेक है उस पर भी मैं आऊंगा इनशाला दिखाने के लिए मेरे पास सबूत है जो कि मैं अभी आप लोगों के सामने पेश करूंगा हमारे व्हाट्सएप पे एक शख्स आए थे जो कि एक्स मुस्लिम बन के घूमते हैं यूट्यूब के ऊपर में लेकिन वो किस तरीके से एक्स मुस्लिम नहीं है वो मैं दिखाऊंगा अभी अपने चैनल पे आप लोग बने रहे लोगों के बीच रहकर के सवाल करें ताकि कोई उससे उसकी आइडियोलॉजी पे बात ना करे कि तुम्हारी आइडियोलॉजी क्या है क्या है तुम्हारा बिलीफ क्या है देखिए अब इनसे ये क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारा आइडियोलॉजी क्या है ये इनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है इनके पास ऑफर करने को कुछ भी नहीं है दुनिया को इससे आप क्लियर समझिए इन एक्स मुस्लिम्स का वीक पॉइंट क्या है इन एक्स मुस्लिम का वीक पॉइंट ये है कि इनके पास अपने तरफ से ये सिर्फ ये बोलेंगे कि मोहम्मद सलूस दुनिया के लिए रोल मॉडल नहीं है लेकिन इनका अपना रोल मॉडल कौन है वो झूठ वाला जो कि दुनिया में झूठ फैलाते रहता है या वो जाहिल जो कि साहिल बन के उर्फ जाहिल है वो आपका रोल मॉडल है या वो कौन है रोल मॉडल महात्मा गांधी है मदर ट्रेसा है या आपके गालिब है या कौन है आपका ये आपका वेस्टर्नर कोई है अमेरिकन कोई है डेविड वुड कौन है आपका रोल मॉडल वो आपको नहीं बताएंगे सिर्फ ये बताना है कि ये नहीं है सिर्फ उनको नफरत फैलाना ये उनका वीक पॉइंट सबसे मेन वीक पॉइंट देखिए उनका यही है कि उनके पास ऑफर करने को कुछ भी नहीं है इंसानियत के लिए हम आपकी बात को क्यों सुने जब आप हमको बोल रहे हैं कि ये मेरा मोबाइल खराब है आप मुझको आगे बोल शदाब भाई ये आपका मोबाइल सही नहीं है मैं बोलूंगा क्या करूं तो कौन सा मोबाइल नहीं बस ये सही नहीं इसको उठा के आप फेंक दीजिए अरे मेरे भाई इसमें मैं जो काम कर रहा हूँ मैं बहुत सारी चीज कर रहा हूँ ये अच्छी है उसको सिर्फ इससे मतलब है कि इस्लाम को गलत बताना है कुरान को गलत बताना है नबी नबीसम को गलत बताना है और करना क्या है

ंसाब वल अजलामू रिमिन अमिल शैतान फज तुम तुफली के एमान वाले लोगो बेशक शराब पीना जुआ खेलना अजलाम ये सारी शैतानी काम है इनसे बचो ताकि तुम कामयाबी हासिल कर पाओ दुनिया में सबसे बड़ा जमात सबसे बड़ा कम्यूनिटी जो की टी टोटलरस है मतलब की जो शराब को छूते नहीं है पीते नहीं सबसे बड़ा एज ए होल जो कम्यूनिटी वो मुस्लिम कम्यूनिटी है कौन हमको बता सकता है कौन हमको ये कैंडल दिखा सकता है इसके बारे में कौन हमको रास्ता दिखाएगा इसके बारे में वो झूठ वाला जो कि दिन भर झूठ बोलता है या वो साहिल उर्फ जाहिल जो कि जिसको पता नहीं है कि हमको जाना कहाँ करना क्या कंफ्यूज बेचारा वो बताएगा इस्लाम आज भी इंडिया के स्टैटिस्टिक्स है कि इंडिया में अगर सबसे कम शराब पीने वाली कोई कम्युनिटी है तो वो मुस्लिम कम्युनिटी ये किसने किया ये इस्लाम ने किया ये इस्लाम ने हमको दिया है आप आए हमको बताएं कि आपके पास एक ऐसा ऑफर है कि इस्लाम से ज्यादा हम लोग शराब को छुड़वा सकते हैं लोगों से आप आए इस आपसे डिबेट आप करने के लिए तो कर इसलिए अपनी आइडेंटिटी को छिपा रहे हैं क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि उनको रिफ्यूट किया जाए क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनको जवाब दिया जाए क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई उनको मुंह तोड़ जवाब दे उस तरीके से जो कि और अभी तक हम देते आ रहे हैं। हम बात करने जाएंगे किसी मुस्लिम से हम ये पूछेंगे कि मोहम्मद साहब ने आयशा से छह साल की उम्र में शादी क्यों की तो अगर हमारा कोई बिलीफ नहीं है तो कोई हमें नहीं कहेगा सीता जी की आयु भी छह साल थी हालांकि वो सही है गलत है क्या है वो बात की बात है लेकिन वो और ये इसका कंटिन्यू करते हैं कि देखिए इस तरीके से जवाब हो जाता है जो कि मैंने रिप्लाई दिया नबी नबीम के शादी के ऊपर जो आयशा से उन्होंने शादी किया उसके ऊपर डिटेल रिप्लाई है मेरा यूट्यूब के ऊपर में आप लोग जाके उसको देख सकते हैं तो ये इनका पॉइंट है क्यों ये लोग क्यों ये लोग ये पसंद कर रहे हैं एक्स मुस्लिम जो मैंने पार्ट वन में बताया पहले ही कि ये लोग एक्स मुस्लिम अहलाना इसलिए पसंद कर रहे क्योंकि इनको कोई जवाब नहीं दे क्योंकि इनको ये जानते हैं कि अगर हम अपने आप को क्रिश्चियन बता देंगे तो हमारे बाइबल में इससे ज्यादा दलीलें ये लोग लाके दे देंगे स्लेवरी की और भी चीजों की अगर ये हम लोग अपने आप को और कोई धर्म की बता देंगे तो उनके धर्म की किताबों से उससे ज्यादा रेफरेंसेज हम लोग लाके दे देंगे इसलिए चलो क्या करते हैं अपने आप को एक्स मुस्लिम बोल देते हैं ताकि जवाब नहीं हो पाए लेकिन इनशाला मुस्लिम भी अगर आप बोल रहे हैं तो आप ही की बातों से इनशाला कि भी है और आगे भी इनशाला रीजन के, के साथ आपको जवाब देंगे और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे और भी धर्म ग्रंथ को भी क्यों करेंगे आप बोल रहे हैं कि कोर्ट नहीं कीजिए हम बोलेंगे कोर्ट करेंगे क्योंकि आपके नाइन्टी से क्या नाइनटी जो आपके फॉलोअर है वो दूसरे धर्म के तो जब हम लोग कोट करेंगे इनशाला उनको भी जवाब मिलेगा और साथ ही साथ आपको भी जवाब मिलेगा उसका तो ये मतलब कि इनका पॉइंट है तो जो वीडियो अब हम लोग जो वीडियो हटा दिया गया है इंडिया टीवी की तरफ से उसको कुछ क्लिपिंग्स जो क्वेश्चंस बच गए थे क्योंकि हम लोगों ने लगभग 20 से 25 मिनट का रिप्लाई किया था अपने पार्ट वन में उसको आगे हम लोग देखते हैं और जो मेन पॉइंट्स अब उनके बचते हैं क्योंकि अब ये वीडियो तो रहा नहीं यूट्यूब के ऊपर में तो जो मेन मेन क्वेश्चन है उसके है उसको हम लोग देख लेते हैं कि वो कोई और धर्म इख्तियार कर ले अपना धर्म छोड़कर के लगभग इसकी इस इस बाद 20 मिनट तक हम लोगों ने इस वीडियो का देखा था इस इंडिया टीवी वाले जो वीडियो है इसको हम लोगों ने लगभग 20 मिनट तक देखा था और उसके आगे इंशाल्लाह अभी जो पॉइंट्स हैं इनके उसको हम लोग आज देख लेते हैं जो कोई क्वेश्चंस किए थे जिसके रिप्लाई सामने वाले लोग जो सामने वाले लोगों ने किया था उसको हम लोग देख लेते हैं क्या रिप्लाई किया था बहुत सारे बहुत बार तो ये लोग रिप्लाई नहीं करते कल का मैं एक इनका डिबेट देख रहा था इन्हीं भाई साहब का कल एक चैनल पे आए थे और उनके सामने रशीदी साहब एक है जो कि मतलब कि मुस्लिम लगते तो है देखने से तो मुस्लिम लग रहे हैं लेकिन उनका पर्दाफाश किया गया कि ट्विटर पे उनका इमेज सब डाला किसी ने Uh, किसी एक्ट्रेस को बोल रहे हैं रिप्लाई मी रिप्लाई मी कर रहे हैं बैठ करके किसी एक्ट्रेस को ऊपर से बोल रहे हैं उसके बाद इन इस पार्टी को जिताने के लिए मुझे कांटेक्ट कीजिए इस पार्टी को जिताने के लिए मुझे कांटेक्ट कीजिए ये सब वो करते हैं जो कि सो कॉल्ड मुस्लिम डिबेटर्स है जो जाते हैं न्यूज चैनल के ऊपर में वो बहुत खतरनाक अच्छा है। चलिए साहब का एक ऑब्जर्वेशन। फिर उसके बाद आप लोगों हाँ, मुझे मैं जानना और समझना चाहता हूँ कि वो लोग जो आज खुद को एक्स मुस्लिम कहना चाहते हैं या घर वापसी करना चाहते हैं एक्चुअली उनके एतराजा क्या हैं क्या उन्होंने स्टडी किया है एक्चुअली क्या उनके पास उन्होंने उन डिस्कशंस में उन डिस्कोर्सिस में गए क्योंकि हमारी बुनियाद तो कुरान है इस्लाम की बुनियाद कुरान है तो ये डिबेट में जहाँ तक हम लोगों ने रिएक्ट किया था उसके बाद ये जो सो मतलब कि मुस्लिम के तरफ से रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं ये लोग जाते हैं वहां पर और बात कर रहे हैं अपने तरफ से कि हम देखने के लिए आए हैं कि कैसे होते एक मुस्लिम लगता है कि कोई जू है या कोई एक्वेरियम है जिसमें हम लोग देखने के लिए आ रहे हैं चलिए ये कैसे किस तरह का जानवर है प्लेटिपुस कौन सा जानवर है

पता नहीं अगर है तो ठीक है और नहीं है तो इस तरीके से वहां पर जाकर के ये देखने के लिए नहीं बना रहता तो वो फिर उसके बाद अपना जो डिस्कशन है उस पर वो चलते हैं और बोलते हैं और अच्छा मैं ये जानता हूँ मुझे एक घंटा का क्लिप है आधा में तो मैं ये जानता हूँ तुम ये जानते हो इधर से कोई और बोल रहा उधर से कोई और बोल रहा ऑडियंस से कोई और कूद रहा है बीच में तो ये सब आधा तमाशा होती है

एक चीज समझ लेनी चाहिए कि कुरान जो है उसके ताल्लुक से दुनिया में मुख्तलिफ फिर मुसलमानों में भी इस्लाम का जो आखिरी दर्शन रह गया। तो की बात करते हैं अगर मैं मुस्लिम पैनलिस्ट जो लोग हैं उनका रिफ्यूट करने लोगों तो उसके लिए और मुझे वक्त चाहिए होगा क्योंकि इनकी भी आधी बातें जो है इस्लाम जो है वो प्राइवेट है अरे भाई प्राइवेट है तो तुम आकर के यहाँ पब्लिक में क्यों बात कर रहे हो इस्लाम के बारे में एक पैनलिस्ट वहां पर आके बोलते हैं कि इस्लाम जो है वो प्राइवेट मसला है अपना अंदर का मसला अरे अपना अंदर का मसला अगर तुम ये बात पर यकीन रखते हो तो तुम आके पब्लिक में क्यों डिस्कस कर रहे हो इस्लाम को यू शुड बी इन योर होम आपको अपना घर में होना चाहिए अगर आपको ये लगता है कि इस्लाम प्राइवेट मसला है आपको आना ही नहीं चाहिए था डिबेट में लेकिन आप डिबेट में आकर के इस तरीके की बात कर रहे हैं कि प्राइवेट मसला है और ये मसला है एक चीज में ये बता दो बहुत सी बातें इन्होंने कही है तो मैं चाहूंगा कि हर एक बात को या मोस्टली इनकी सब बात को रेफ्यूट करू आ, उससे पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि हमारा जो मकसद है जो एक्टिविज्म हम कर रहे हैं जो चैनल चला रहे हैं उसका बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि हमें मुसलमानों के लिए कोई हेट फैलाना है या हम उनसे मोहब्बत नहीं करते या ये बताना की ये, ये गलत है या नहीं गलत मुसलमान गलत है ये नहीं बताना है हाँ। तो ये बोल रहे हैं हमारा मकसद ये नहीं है कि हम लोग मुसलमानों के खिलाफ हेट फैलाए हमारा मकसद तो ये है कि हम लोग अपना एजेंडा काम आगे वो बता रहे हैं हमारा मकसद अरे भाई तुम्हारी वजह से ही तो हेट फैल रहा है तुम अपने कमेंट्स में देखो जाके तुम अपने थंबनेल को देखो जा करके तुम खुद हेट फैला रहे हो तो इंडिया टीवी के डिबेट में आकर के ये झूठ बोलना कि मेरा मकसद हेट फैलाना नहीं है कल तुम बैठ करके अपने लाइव स्ट्रीम में अपना हैप्पी बर्थडे मनाते हो और मुसलमान को मारा जा रहा है हमारे झारखंड में रांची के आप अपडेट्स देखिए उसी तरीके से यूपी का आप अपडेट देखिए क्या हो रहा है अगर सही में तुम्हारे दिल में मुसलमानों से मोहब्बत है तो तुम क्यों वहां पर माता नहीं मना रहे तुम क्यों वहां पर अपना हैप्पी बर्थडे मना रहे हो और साथ ही साथ वो क्या बोलते हैं हैप्पी बर्थडे मनाने के के साथ वो दो दान पेटी खोल के रखे हो तुम मैं उसका गिफ्ट आऊंगा आप लोग जुड़े रहे आखिरी में हम लोग को हमारे साहिल उर्फ जाहिल भाई को गिफ्ट भी देना है जो कि हम लोग उनको देंगे उसका बर्थडे था उनका कल तो एंड में हम लोग उनको गिफ्ट भी देंगे इनशाला आप लोग जुड़े रहे और लोगों तक भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनका बर्थडे गिफ्ट उनके जो फॉलोअर्स है वो लोग भी देख करके वो खुश हो कि हाँ हमारे साहिल भाई को उन्होंने एक एक अच्छा दिया, एक एक इतना अच्छा गिफ्ट गिफ्ट दिया दिया मुसलमान भाई भाई ने इतना हमारे साहिल भाई को यही तो उनका मकसद है कि हेट फैलाना उनका मेन मकसद है जहरा आयात है वो बोल रही मैं भी एक मुस्लिम है अगर आप एक्स मुस्लिम है इनशाला आप बात कीजिए कमेंट कीजिए अगर आपको आना स्ट्रीम पे आप आ सकते हैं डिस्कशन के लिए इन कोई मसला नहीं है आप अपना क्वेश्चन को कमेंट भी कर सकते हैं इनशाला तो को जिसने एक डिबेट में हराया था साहिल और उस झूठ वाले को मुफ्ती साहब ने उनको हम लोग अपने इसमें इनशालाएंगे स्ट्रीमयार्ड इस पे आप वहां पर भी इनशाला आके मुफ्ती साहब से अच्छे से इलम हासिल कर सकते हैं तो अभी भी आप कमेंट कर सकते हैं इनशाला हमारे रिएक्शन वीडियो के बाद पहले मेरी ये थिंकिंग थी जब टीवी डिबेट्स में देखता था और कुछ किसी मौलवी को बुलाया गया है या जो भी गया, आ, होता था डिबेट सो मेरा यह मानना था कि इस्लाम सच्चा है इस्लाम सही है मुसलमान गलत है मुसलमान गलती करता है नाम इस्लाम पे आता है ये ठीक से इस्लाम का पालन नहीं कर रहा है एग्जैक्टली exactly. अच्छा तो ये पहले मेरी सोच थी अब क्या है आज मेरी सोच है मुसलमान अच्छा है प्रॉब्लम इस्लाम में चैलेंज बोल रहे हैं कि गो टू इस चैनल अगर इतने ही तोप है जी भाई हम तोप नहीं उससे बड़े मिसाइल है हम लोग इंशाल्लाह आएंगे इंशाल्लाह डिबेट पे आप भेजिए अपने आ, अगर आपको हिम्मत नहीं डिबेट करने का अगर उनको हिम्मत है तो वो आए इंशाल्लाह गिफ्ट के लिए इंतजार करें गिफ्ट आ रहा है उनका इंशाल्लाह गिफ्ट उनको दिया जाएगा अच्छा जी अभी बहुत बड़ा क्लेम किया मैंने तो उसकी वजह भी है तो आज भी मैं मुसलमानों से उतनी ही मोहब्बत करता हूं जितना कल करता था या जब मैं मुस्लिम था जब मैं दावत करता था मैं चाहता हूं कि हमारी झूठ उनकी कि आज भी इतनी मोहब्बत करता हूं जो भी करता हूं ये सारा झूठ वो लोग बकवास वहां पर बैठ के वो कर रहे हैं और अपना एजेंडा को उसी तरीके से वो आप आगे क्या? क्या? आँ, 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 बता बिल्कुल पर बताइए

वो इनका कहना है कि वो एडुकेशन हासिल करे इस्लाम भी यही कहता है आप एडुकेशन को हासिल करे कुरान की पहली जो आयत जो पहली वही नाजिल होती है वो क्या है खलक रब पढ़ो अपने रब का नाम लेके जिसने तुमको पैदा किया ठीक है कुरान की ये वही इस्लाम के नबी अल्लाह के नबी सल् मोहम्मद वो कहते मुस्लिम के इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पे फर्ज है ठीक है तो ये कहना की इस्लाम एक मिनट मनसूख नहीं आप ना बोलिए एक मिनट एक मिनट आप लोग ना बोलिए देखिए डिबेट चल रही है मेरे जितने भी आप लोग देने के लिए एक्सपर्ट आए तो है इसीलिए नहीं नहीं अगर एक, एक बात बात बात

अपना बोल रहे हैं इसमें एक साहिल ने एक पॉइंट बोला कि इस्लाम बोलता है कि इस्लाम कि बेशक दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है हाँ इस्लाम ये बोलता है क्रिश्चियनिटी बोलता है कि क्रिश्चियनिटी सही है आप सबको क्रिश्चियन बनना चाहिए और लोग भी यही बोलते कि घर वापसी कर लो सब लोग यही बोल रहा है तो आपको इस्लाम से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्या है क्रिश्चियन लोग हर वो क्रिश्चियन मिशनरीज हर जगह घूमते हैं जिसको ले करके आप अपना बैशाखी बना के घूम रहे हो जो सीकर को वो क्रिश्चियन मिशनरी है वो यही चाहता है कि क्रिश्चियनिटी फैले

ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من तो ये तो करत फिर से शुरू हो गया देखिए ये करत करते हैं तो मतलब के लगता है कि बड़े कितने बड़े इस्लामिक स्कॉलर कितने बड़े इस्लामिक मतलब के टीचर आए हैं कुरान को करत पढ़ के قاتل اللذين لا يؤمنون بالله अब देख के पढ़ रहे याद तो नहीं कर पाए देख के पढ़ रहे चलिए देख के पढ़ रहे चलिए अच्छा है देख के पढ़ा सूरत तो सूरह नंबर नौ आयत नंबर उन्तीस ठीक है देख के पढ़ा चलिए अब क्या है ये कारी ये फैंस ऑफ मुफ्ती यासिर नदीम अलवेजी बोले कि कारी बन रहे इनकी किरात निकल गई थी जब मुफ्ती साहब ने उस झूठ वाले को एक पेज पढ़ाया था इनशाला नेक्स्ट संडे आप लोग मिस मत कीजिएगा मैं नेक्स्ट संडे इनशाला हम लोग मुफ्ती साहब के साथ रहेंगे और उस क्लिप को भी चलाएंगे जिसमें झूठ वाला को एक पेज दिया गया था अरबी से पढ़ने के लिए और ये साहिल और जाहिल भी वहां बैठा हुआ था और जो लोग डिबेट डिबेट का नाच नाच रहे हैं हमारे कमेंट्स के ऊपर में उन लोगों को भी वो वहां पर आना चाहिए और देखना चाहिए कि आपके साहिल उर्फ जाहिल जो थे किस तरीके से डिबेट में हार चुके हैं और लोगों से वो डिबेट नहीं कर रहे और इनशाला आगे भी हारते रहेंगे जब तक के इस्लाम के सही जानकार लोग मौजूद रहेंगे इस्लाम का एक अदना और स्टूडेंट भी के सामने भी वो टिक नहीं सकते इनशाला ठीक है तो इनका कितना किरत है और कितना नॉलेज है अरेबिक का वो तो हम लोग को पता चल ही जाएगा और उसके बाद चलिए देखते हैं कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे सूर तोबा सूरत नंबर नौ आयत नंबर उनतीस में अरेब मिल जाएगा आपको आपके लिए नहीं आया सवाब लेने के लिए वो घर में पढ़ सकते थे अपना सवाब लेने के लिए सूर्य बकरा की तलावत करे घर से शैतान भाग जाएगा अब कौन भागेगा साहिल और जाहिल भाग जाए या शैतान भागे मुझे नहीं मालूम लेकिन सूर्य बकरा की तलावत करने से शैतान घर से भाग जाता है तो इंशाल्लाह ट्राई करके देखिए आपके घर से आप भाग जाते हैं कि नहीं अब ये जो मुस्लिम पैनलिस्ट है ये लोग जबरदस्ती का आते हैं अनप्रिपेयर और उसी तरीके से सिर्फ इस तरीके से बात करते हैं तो वो कोई मतलब नहीं है और उससे कोई फायदा नहीं है अपना पेशेंस को खो देना अगर आप डिबेट में जा रहे हैं तो प्रिपेयर होके जाइए इन अच्छे से बात कीजिए बात करने आता है आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस्लाम को तो आप अच्छे से रिप्रेजेंट कीजिए और नहीं आता तो आप मत जाइए जैसे कि अभी एक स्टेटमेंट आया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कि आप अभी नहीं जाए ऐसे डिबेट्स में ठीक है अगर आपको नहीं आता अगर आप नहीं बात कर सकते सही से, से तो आप मत जाए बिल्कुल बैठो अच्छा अच्छा अरे चुपचाप लड़ा, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है यार जी अरे चचा बैठो ये देखिए मैं अपने तरफ से इसका ड्राइवर से जब ये यही ये हो यही क्लियर हो जाए उन्होंने कहा कि आपने जो कोर्ट किया ये कॉन्टेक्ट हाँ जंग के मत्या जंग के माहौल में उस उस लागू ना, हो ना, ना, कभी नहीं मैं मैं मिनट मिनट जवाब देता हूँ मुझे इतना बताइए अगर शरीय लागू होती है गैर मुसलमानों से जिजिया लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा कहाँ पे लिया जाएगा जहां है शरीयत लागू है शरीयत बिल्कुल वही तो सफर भाई ने शुरू में कहा आप जवाब दीजिए मैं जवाब दे रहा हूँ ना एक मिनट तो ये उनका क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन है शरीयत लागू होगा तो जिजिया लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा जी हाँ शरीयत लागू होगा तो कुरान के आयत है सूर तो सूरत नंबर नौ आयत नंबर उनतीस अब जो पैनलिस्ट है उनको जिजिया के बारे में अगर एक्सप्लेनेशन नहीं देने आया तो वो सोच रहे कि हम लोग को बहुत बड़ा हम लोगों ने बात कर दिया हम लोगों ने बहुत बड़ी चीज सवाल कर दिया जिसको आंसर देना किसी को आया ही नहीं जिजिया क्या है अगर आप स्कॉलर अपने आप को जैसे कि आप बन के आ रहे हैं सारे टीवी चैनल में इस्लामिक स्कॉलर तो जिजिया का रूट वर्ड का क्या है जिजिया का लिटरल मीनिंग क्या आप पहले बताइए इतना तक आप बता दीजिए जिजिया का लिटरल मीनिंग क्या है जिजिया का लिटरल मीनिंग जजा से आता है रिवार्ड जिसको बोला जाता है अगर मैं आपको लास्ट में भी गिफ्ट दूंगा तो वो जजा होगा रिवार्ड होगा कुछ ठीक है तो जिजिया जजा से आता है अब जिजिया है क्या जिजिया क्या, क्या चीज है कि सुनते कान खड़े हो जाते बहुत सारे लोगों की जिजिया कान खड़ा हो गया बाप बाप रे ये क्या चीज है जिजिया एक टैक्स है जो कि जो कि नॉन मुस्लिम रहते हैं इस्लामिक स्टेट में वो देते हैं ठीक है मुस्लिम जक़ात देते हैं नॉन मुस्लिम क्या देते हैं नॉन मुस्लिम जिजिया देते हैं है? है। जैसे कि हम लोग अभी अमेरिका में रहते हैं तो अमेरिका में क्रिश्चियन भी देगा टैक्स हिंदू भी देगा टैक्स मुस्लिम भी देगा टैक्स एथिस भी देगा एग्नोस्टिक सब लोग देंगे ठीक है सब टैक्स देते हैं वहां पर कोई ऐसा तो नहीं कि आप अगर ये है तो टैक्स देंगे ये होंगे तो नहीं देंगे तो उसी तरीके से मुस्लिम जो होते वो जजाकत है वो जिजिया देते हैं तो इसमें आप इतना ज्यादा तमाशा बनाना इसको और उसके बाद जिजिया के बारे में आयत पढ़ना कि की कातना और उसके बाद वो बोलते हैं एक जो और है समीर वहां बैठे हुए वो, वो आगे चल के बताएंगे चलिए देखते हैं वो लोग क्या बोलते हैं तो जिजिया जो है वो नॉन मुस्लिम जो रहते हैं रेसिडेंस जिसको जिम्मी बोला जाता है नॉन मुस्लिम इस्लामिक स्टेट में जो रहते हैं उनसे लिया जाता है जो टैक्स उसको जिजिया बोला जाता है ठीक है कितना लिया जाता है कितना लिया जाता है साहिल के जो चैनल्स पे बैठते हैं बहुत घंटा के आपको लोगों ने साहिल उर्फ जाहिल ने बताया कितना, कितना लिया जाता है जिजिया छः घंटा का डिस्कशन में आप लोग बैठे होंगे बहुत सारे लोग आए हैं हमारे भी डिस्कशन में आप लोग कमेंट करके बताइए कितना लिया जाता है छ छः घंटा आपको जगा दिया साहिल ने कुछ भी आपको नॉलेज नहीं दिया को, कोई भी नॉलेज नहीं दिया आपको घंटा जाकर लेकिन खोदा पहाड़ निकली एक ही एक भी चूहिया नहीं निकली सही से उससे तो जिजिया कितना लिया जाता है वो लोग बात कर रहे बैठ के किसकी इसी डिस्कशन में तबरी तफसीर कुरतुबी की ये कुरतुबी है मेरे हाथ में तफसीर कुरतुबी इसको बोला जाता है तफसीर तबरी मेरे पास यहाँ पर है आईपैड में तफसीर तबरी है और कौन कौन सी तफसीर की बात कर रहे हैं जिनकी वो बात कर रहे हैं उससे ही मैं इंशाला रिप्लाई दूंगा जिनकी वो बात कर रहे तफसीर कुतुबी तफसीर तबरी उसी से मैं इनशाला रिप्लाई दूंगा उमर रजील की लाइफ से रिप्लाई दूंगा अभी जिजिया के ऊपर में ठीक है कितना लिया जाता जिजिया जो डिबेट डिबेट कर रहे थे चले गए क्या आप लोग कमेंट सेक्शन में अभी आप लोग थे कुछ दो तीन उनके शागिर्द जय हिंद अच्छा जय हिंद नहीं कितना डिबे लिया जाता जिजिया जय हिंद सवाल नहीं किया था ये तो हो गया उसी तरीके की बात की सवाल कुछ और कर रहा है ना, नारे बस नाराबाजी मैं मुसलमान भाइयों से सवाल नहीं कर रहा हूँ मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ जो डिबेट डिबेट की नाच नाच रहे थे अभी यहाँ पे कितना जिजिया लिया जाता है आपके छे घंटे के लाइव में के सेशन में आपको मिला नहीं जवाब अभी तक कुरतुबी तबेरी और ये और वो सीकर ने नहीं बताया एडम सकर क्या बोले उसको क्या नाम दे उसको सीकर है क्या है कितना जजिया लिया जाता है ये रहा तफसीर कुरतुबी तफसीर कुरतुबी साथ ही साथ ये हदीस को कोट करते हैं एक दिनार कितना दिनार एक दिनार और और रेफरेंस चाहिए कितना तफसीर कुरतुबी में कोट कर रहा हूँ एक दिनार अच्छा तफसीर मजीदी एक और है तफसीर मजीदी उसको भी मैं आपके सामने लाना चाहता हूं तफसीर मजीदी को तफसीर मजीदी ये बोलता है कि आप कितना उसको जिजिया को देना है उसके ऊपर वो बता रहे हैं तफसीर मजीदी वाले मैं कोशिश कर रहा हूँ उस स्लाइड को अपने स्क्रीन पे शेयर करने का हाँ ये आपके स्क्रीन पे अभी चल रहा होगा एक स्लाइड इसमें तफसीर मजीदी है ये और इसमें वो बोलते हैं कि जिजिया कितना लेना है उसके बारे में कितना लेना है तो रुपया माहवार आठ रुपया एक रुपया माहवार यानी कि कितना हो गया बारह रुपया महीना का कौन सा तफसीर है ये तफसीर मजीदी ये इंडिया के कॉन्टेक्स में ये लिख रहे तो उस वक्त के हिसाब से जो जो थोड़े दिन पहले ये लिख रहे तो उसमें वो लिख रहे कितना लेना है बारह रुपया ईयरली कितना अभी कितना टैक्स देते हैं हम लोग गवर्नमेंट को आ, इतना तो पता ही होगा जिजिया का पता नहीं था इतना तो पता होगा कि कितना टैक्स देते हैं हम लोग कि वो भी नहीं पता कितना टैक्स देते हैं बिल्कुल शरीयत में अलग-अलग दौर नौ परसेंट सी जी एस टी नौ परसेंट एस सी एस टी मतलब सेंटर को नौ परसेंट और उधर सेंटर को नौ परसेंट अलग देते स्टेट को नौ परसेंट अलग देते जाके गूगल पे सर्च कीजिए ठीक है एक भी हमारे जो डिबेट डिबेट करने वाले लगता चले गए क्योंकि हमको आंसर नहीं आया अभी तक लीफी आए एक दिनारुद भी एक लो इनका इनका आर्ग्यूमेंट इसी इसीलिए बारह रुपया वाला दिखाया आपको बारह रुपया भी बारह लाख बना दो उसको अभी है बारह रुपया बोल दो बारह लाख था ये। एक सौ साल पहले जो तफसीर लिखने वाला शख्स लिख रहा बारह रुपया उसको भी बारह लाख बना दो अपने तरफ से ठीक है कुछ भी मतलब कुछ भी अपने तरफ से ठेल देना है और हम लोग मान लेंगे एक दिनार मिनिमम है अच्छा उतना भी ज़्यादा लग रहा है क्या तो उसको भी माफ करवा देते हैं ये उमर रजी अल्लाह तआला त दौर की किताब है उमर रजी अल्लाह तआला के दौर की किताब है इसमें जिजिया के ऊपर में एक पूरा का पूरा चैप्टर है ठीक है इस चैप्टर में एक लिखते है उमर तआला के बारे में वाक्य आता है कि उमर रजी अल्लाह तआला एक रास्ते से गुजरते हैं और वहां पर एक यहूदी को वो पाते हैं किसको पाते हैं यहूदी को वो बेचारा गरीब था वो अपना मतलब के पैसे मांग रहा था तो उमर रज ने बोला कि क्यों मांग रहे हो पैसे तो बोले कि ये पैसे है इससे हम ये करेंगे और फिर जिजिया भी हमको देना तो उमर रजी अल्लाह ने उस पे से जिजिया को माफ करवा दिया। क्या करवा दिया? माफ करवा 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 दिया 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 क्या अब माफ भी हो सकता है अगर कोई गरीब हो जिजिया देता कौन है जिजिया देता कौन है सर कोई देगा जबरदस्ती सबसे पकड़ पकड़ कर ले लेंगे हम लोग नहीं जिजिया सिर्फ वो मर्द बालिग मर्द देंगे जो कि लड़ेंगे नहीं इस्लामिक स्टेट की तरफ से सोचिए एक इस्लामिक स्टेट में मर्द जितने होते सबको लड़ना होता है स्टेट की तरफ से तो अगर ये नॉन मुस्लिम जो रहते हैं वो लोग परसेंटेज पे हम लोग आ रहे हैं इन जो लोग कमेंट कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों तो छह घंटे आप लोगों ने डिबेट डिस्कशन में बैठा और आप लोगों के कुछ नहीं मिला आपको उन लोगों की तरफ से सिर्फ एक सूर तो सूरत नंबर नो नंबर उन्तीस बोल के छोड़ दिया ये लॉलीपॉप आपको दे दिया उसके बाद तफसीर और एक्सप्लेनेशन कॉन्टेक्ट कुछ नहीं है ठीक है तो कि कौन देगा तो जिजिया कौन कौन देगा तो सिर्फ बालिग मर्द जो कि लड़ेंगे नहीं वो भी अगर वो लड़ेंगे इस्लामिक स्टेट की तरफ से तो वो जिजिया नहीं देंगे अगर वो लड़ेंगे क्यों नहीं देंगे जिजिया वो लोग अगर वो लोग लड़ेंगे इस्लामिक स्टेट की तरफ से क्योंकि जिजिया इसीलिए ले जा रहा है क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती इस्लामिक स्टेट इसलिए जिजिया औरतों पे बच्चों पे हैंडीकैप्ट जो लोग हैंडीकैप्ड होते हैं उन पे नीडी गरीब होते हैं या पागल शख्स होते हैं या उसी तरीके से गरीब लोग होते हैं या उसी तरीके से कोई बीमार है या उसी तरीके से कोई राहिब है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन पे जिजिया नहीं लगता है क्या तफसीर कुर्तुबी और आगे चल के वो समीर भाई साहब जो है वो बोलते तिबरी तिबरी बोलते वो तबरी को तो क्या वो तबरी या जो तिबरी बोल रहे हो क्या उन्होंने पढ़ा नहीं अभी तक उसको कि कौन कौन देगा कौन कौन नहीं देगा इतना सारा लिस्ट है जो कि नहीं देंगे उमर रजील ने माफ कर दिया कितना देना एक दिनार बारह रुपया एक और वो उस तफसीर मजीदी में ये भी लिखा हुआ कि आठ भी है आठ रुपया भी कुछ लोग अगर करीब है तो आठ भी ले सकते हैं साल में आठ रुपया कुछ अगर करीब है तो चार भी है और उससे ज्यादा भी कम कर सकते हैं ये नहीं बताया इंडिया टीवी के डिबेट में आपको बैठ करके छे छह घंटे के लाइव में नहीं बताया हैप्पी बर्थडे के सेशन में नहीं बताया होगा हैप्पी बर्थडे था कल तो हैप्पी बर्थडे था उनका तो वो नहीं बताएंगे हैप्पी बर्थडे का गिफ्ट तैयार है उनका हमारी तरफ से तो हाँ विजय चंद्र चौधरी बोल रहे कि जिजिया मीन्स नी, नीचा दिखाना जिल्लत से टैक्स लेना अच्छा आ जाइए अब आप कहीं कमेंट पे आ रहे थे आपने इजी कर दिया मेरे रिप्लाई को और आसान कर दिया इमाम नबी लिखते हैं इमाम नववी अपनी किताब में लिखते है कि जो है, उल्मा कहते, करते है कि को आराम कोई कर्ज। अगर जिल्लत की बात की तो उमर तालान ने क्यों माफ करवा दिया क्यों माफ कर दिया बोला क्यों नहीं हाँ तुम जलील हो रहे अच्छा हुआ तुम गरीब हो तुम जलील हो रहे तुम ऐसी देते रहो क्यों नहीं माफ क्यों माफ कर दिया उमर जान उस आयत को नहीं समझ पा रहे थे आप साहिल उर्फ जाहिल ज्यादा समझते उस आयत को उमर जान जो खलीफा इस्लाम के वो नहीं आयत को समझ पाए साहिल उर्फ जाहिल जो अभी पैदा हुआ है कुछ दिन पहले वो ज़्यादा समझ गया इस आयत को ठीक है और उस आयत में जो वर्ड है वहम सागिरुन जिसके ऊपर ये बोलते कि जलील वाली तफसीर लाते तफसीर तबरी से तो सागरून की तफसीर में आ, ये इमाम शाफी कहते हैं अपनी किताब में कि सागरून का मतलब ये है कि वो लोग के ऊपर इस्लाम के अहकाम को नाफिज किया गया जाए ये सागिर की तफसीर वो बयान करते इमाम शाफी ठीक है और उसी के साथ साथ हम एक और स्पेशल को इसको ले लेते हैं ठीक है स्पेशल केस क्या है उमर रजीलान के दौर में इसी बुक में उमर रजान के जो बुक है ये लोग आप लोग इसको पढ़ सकते हैं जिसको ये लेना ये बुक ये दार्लाम की पब्लिकेशन है इसी बुक में और एक एग्जाम्पल दिया गया उमर रजी लन के दौर का उसमें क्या होता है कि एक जगह के कुछ क्रिस्टन्स लोग वो लोग बोलते हैं कि हम लोग जो जिजिया है ना ये जिजिया नहीं देंगे हम लोग तो उमर जान को बोलते कि क्यों नहीं बोले नहीं हम लोग अरब है हम लोग जिजिया नहीं दे सकते हम लोगों को कुछ और बोल के ले लीजिए जिजिया नहीं देंगे तो उमर रजी अल्लाह ने क्या किया कि बोला ठीक है मुसलमान अढ़ाई परसेंट जक़ात देते तुम पांच परसेंट दो तुमको जो बोलना बोलो तुमको जो बोलना है उसको बोलो लेकिन तुम पांच परसेंट टैक्स दोगे तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि जिजिया जो है वो सिर्फ एक फॉर्म ऑफ टैक्स है और इंडिया टीवी के डिबेट में आकर के जिजे जैसी बात को करना इसी तरीके से हुआ कि मैं कुछ और बात करूं हम लोग इंडिया में कितने टैक्स देते हैं आप जाके सर्च मारिए गूगल के ऊपर में आप कितना टैक्स देते हैं ऑन एन एवरेज अगर मैं पानी लेता हूं या छोटे से छोटा चीज भी लेता हूं तो उसके ऊपर हम लोग क्या देते हैं टैक्स देते हैं हम लोग रोड टैक्स देते हैं सेफ्टी टैक्स म्यूनिसपैलिटी टैक्स देते हैं और पता नहीं क्या क्या टैक्स देते हैं सब सबको छोड़ करके हम लोग किसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं इंडिया टीवी में जिजिया के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसी को बोला जाता है स्ट्रॉम आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट कुछ और है कुछ और बात करना चाहिए हम लोगों को और ले गया कहीं और उसने और कुछ और अपना बात कर रहा है तो ये वो लोग कर रहे हैं और मैंने एक्सप्लेन किया जिजिया को जिजिया क्यों लिया जाता है क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए अब आप बोलिए कि नहीं 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 वो लोग नॉन मुस्लिम इसके वजह से तो नॉन मुस्लिम जो वुमेन है औरतें उसे क्यों नहीं लिया जा रहा नॉन मुस्लिम बच्चे हैं उससे क्यों नहीं लिया जा रहा नॉन मुस्लिम जो बूढ़े हैं उससे जो आपके गरीब हैं उनसे क्यों नहीं लिया जा रहा नॉन मुस्लिम जो क्रॉनिकली इंसान है उससे क्यों नहीं लिया जा रहा तो ये समझ में आता है कि जिस टैक्स है जो कि जिम्मी जो लोग होते हैं जिम्मी मतलब जो जिम्मेदार होते मुसलमान उनके उसकी प्रोटेक्शन के लिए वो लोग उसको लेते हैं ठीक है थीके? ये हम लोग को समझना चाहिए जिजिया का मतलब और जिजिया का अमाउंट एक भी कमेंट नहीं आया मुझे बहुत मतलब कि कि अफसोस हुआ कि एक भी कमेंट नहीं आया घंटे के लाइव आपने देखा कितने कितना पैसा डोनेट कर दिया आपने सौ सौ करके कोई डॉलर दे रहा है कोई सौ सौ रुपया कोई पांच सौ रुपया हैप्पी बर्थडे साहिल भैया और पैसे के पर पैसे सब लूट के वो लोग झोला लेके निकल जाएंगे आपके एक दिन वो लोग तो 6-6 घंटे के लाइव से आपको इतना भी नहीं पता कि जो आयत वो पढ़ रहे हैं उसका तफसीर क्या है कितना डिजीया लिया जाता है वो भी आपको अभी तक नहीं पता चलिए अब थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिस्कशन हो गया है तो थोड़ा सा एक एक्स मुस्लिम के ऊपर में एक फॉरेन चैनल है वो उन लोगों ने कुछ बनाया था उसको हम लोग चलाते हैं चलिए अपने स्क्रीन पे इशर करम वेल Whoa. ये कोई चैनल है आ, आ, मतलब कि बाहर के वो लोग बनाते हैं फेक एक्स मुस्लिम को ये लोग हंड करते हैं कि कहाँ कहाँ फेक एक्स मुस्लिम है वो हम भी अभी आएंगे इनशाला उसके ऊपर जो फेक एक्स मुस्लिम है उसके ऊपर में आ, ये देखिए फेक एक्स मुस्लिम का एक And so that's why the Shahada, the, the central okay. confession of Islam,

ये बोलते हैं कि हम एक्स मुस्लिम है और इनको ये लेवल है इनके जानकारी का कि मैं पुलाव का फिरका से ताल्लुक रखता हूँ अब इनको कौन बताए कि पुलाव और निहारी जो ये खाने के आइटम है ये कोई फिरका नहीं है अच्छा हमारे इस पे यूट्यूब के ऊपर में एक भाई है वो आकर के पूरे परेशान थे कमेंट कर रहे एज एक्स मुस्लिम बनकर के हम एक्स मुस्लिम है हम एक्स मुस्लिम है हम ये है वो है ये है फिर लास्ट में वो व्हाट्सएप के ऊपर आते कल और वो बोलते हैं कि भाई आर्य समाजी और आर्य समाजी बन जाओ ये उनका पूरा का पूरा व्हाट्सएप का मैं चला दे रहा हूं ये उसमें बोलते हैं कि भाई तुम्हें आर्य समाज ज्वाइन कर लेना चाहिए मैं आऊंगा आर्य समाज के ऊपर इनशाला आप घबराए नहीं उसके ऊपर भी इनशाला एक पंडित जी है वो मेरे खिलाफ़ वीडियोस बनाए उस पर भी मैं आऊंगा इन आर्य समाज के ऊपर में और इन वो बोल रहे थे कि मुसलमानों में दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया गया है मुसलमान काफिर तो इसलिए इस्लाम छोड़ दो आर्य समाज आर्य समाज की बुक पढ़िए सत्यात प्रकाश उसमें दुनिया को कितने हिस्सों में बांटा गया दुनिया को पहले तो दो हिस्सों में बांट दिया आर्या और अनारिया अनारिया को आसुर बोला गया या कुछ जो साउथ में रहते उसको राक्षस बोला गया उसके बाद और डिटेल आर्याओं में भी ब्राह्मण शूद्र वैश्य और सारे के सारा डिटेल है मैं आऊंगा इनशाला उसके ऊपर में तो ये देखिए जो लोग एक्स मुस्लिम बन करके आ, आ करके बैठे रहते हैं उनकी ये सच्चाई है ये हकीकत है कि वो लोग आकर के यूट्यूब पे बोलते हैं कि डिबेट करो और ये करो और उसके बाद आई एम एन एक्स मुस्लिम और बाद में जब वो व्हाट्सएप पे आके कमेंट करते तो वो बोलते हैं हम क्या है हमारे आ रहे हम क्या है एडम सीकर क्या है क्रिश्चियन मिशनरी है हम लोग तो क्यों वो लोग इस तरीके से कर रहे हैं ताकि उन लोगों को जवाब देने आप जाइएगा तो आप बोलिएगा नहीं नहीं, नहीं 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 आप बैशाखी लेके आ रहे हैं आप ये क्यों कर रहे हैं कोई बैशाखी नहीं है हम लोग अपने आर्ग्यूमेंट के साथ आते हैं और आपकी ऑडियंस जो है उसको भी हम लोग को रिप्लाई देना रहता है और इस्लाम का ये आर्ग्यूमेंट है जब हम लोग दूसरे किताबों को कोट करते तो इस्लाम बोलता है तौराती कुल्फा तू अपने हाथ बुरहानों को मिनकुन तुम सादिकिन कहो अपना दलील पेश करो और दलील उनकी जब हम लोग कोट करते तो इस्लाम का ही ये आर्ग्यूमेंट होता है आपके पास क्या आर्ग्यूमेंट है अपने तरफ से देने के लिए आपके पास क्या आर्ग्यूमेंट है अपने पास से देने के लिए हम लोगों के लिए ठीक है आपके पास तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है तो कल भी एक एक डिबेट पे वो वो लो लोग लोग आए आए थे थे हमारे जैसे जैसे कि कि न्यूज नेशन जैसे चैनल है उस पे वो थे। और एक्स मुस्लिम साहिल और जाहिल जो है वो आए थे और बोल रहे थे कि इस्लाम में आप की सजा मार देना होता है ब्लास्वेमी की सजा बाइबल में भी यही सजा है बाइबल पढ़िए आप जीट्रॉनमी पढ़िए यही सजा है बाइबल में भी हिंदुजम को भी आप पढ़िए ऋग्वेद को पढ़िए आप तो आप ये सब पढ़िए पहले सिर्फ इस्लाम को टारगेट कर देना किसी की धार्मिक को हर्ट नहीं करना है अब कोई बोल रहा है नहीं 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 नहीं, नहीं 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 हम तो बस कोट कर रहे हो जो रिलीजियस स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है तुम कोट नहीं कर रहे हो मेरे भाई तुम कुछ और कर रहे हो मजाक उड़ाऊ क्या मजाक उड़ाऊ ये कर रहे हो तुम और चले फॉर एग्जाम्पल कोई बोल देता है कोई बूढ़ा शख्स है वो आपके घर में आता है ईद का रोज रहता है या मान के चलिए एक मुस्लिम तो वो ईद मनाते नहीं होंगे साहिल और जाहिल जो चीज़ मनाते हैं बर्थडे मना रहे बर्थडे के दिन कोई आके सच वाला जी या झूठ वाला जी जो है वो उसको बोलते है बेटा बेटा तो वो बहुत खुश होते अरे झूठ वाला जी ने मुझे बेटा बोल दिया लेकिन फिर सच वाला जी बोलते बेटा तुम मेरे ओरिजिनल बेटा हो तुमको भाग कर अपने अम्मी से पूछना तुम मेरे ओरिजिनल बेटा हो तो क्या फ़र्क हुआ बात तो बेटा ही बोला दोनों जगह बोलेगा अने नहीं ये तो बेटा ही बोल रहा है एक प्यार से बेटा बोला तो तुम माने ये नफरत से बोल दिया तो तुम ऐसा तो किसी चीज को कोट करने का एंगल ट्राइंगल उसके क्या फीलिंग है किस एंगल से तुम कोट कर रहे हो उस चीज को ये नहीं देखेगा क्या सिर्फ कोट है लिखा हुआ है ऐसी बात नहीं होती है तो ये बेवकूफ बनाना है मुसलमानों को इस तरीके से अगर कोई बोल रहा है कि बेवकूफ बनाना है ये चीज कि अगर कोई बोला कि हम सिर्फ उसको कोट करें तुम कोट नहीं कर रहे हो तुम उसके साथ साथ अपने वर्डिंग्स को अपने गंदे अल्फाज को उसमें यूज कर रहे हो जो कि सरासर गलत है और ये इंडियन लॉ के भी अगेंस्ट है कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को कोई हर्ट करे किसी का कर, ठीक है तो ये चीज करना सही नहीं है तो कल के जो भी डिबेट में जो वो आए थे इनशाला उस पर भी हम लोग बात करेंगे इनशाला अगर कोई ऐसा पॉइंट था क्योंकि उसके कोई व्यूज नहीं है अब वो लगभग लगभग उनकी कोई व्यूज उसमें आ नहीं रहे तो इनशाला अगर कोई ऐसा पॉइंट्स रहेगा उसमें तो हम लोग आएंगे इनशाला नेक्स्ट संडे हम लोग कोशिश करेंगे कि मुफ्ती साहब को लाए अपने लाइव में आप लोग जुड़े रहे ताकि इनशाला आप लोग उससे जुड़े रहे और जो भी क्वेश्चंस आपके रहेंगे आप उसमें आके भी मुफ्ती यासिर से आप पूछ सकते हैं इनशाला और जहां तक हमने बोला अपने वीडियो में कि हम लोग एक गिफ्ट देने वाले हैं क्योंकि एक्स मुस्लिम साहिल उर्फ जाहिल जो है वो कल हैप्पी बर्थडे अपना मना रहे थे तो हमने सोचा एक छोटा सा गिफ्ट आपको दे दे तो वो गिफ्ट लाया जाए यहाँ पर ताकि आपको वो गिफ्ट ये हम लोग एक छोटा सा गिफ्ट एक्स मुस्लिम साहिल और जाहिल के लिए लाए थे तो ये गिफ्ट है और कल वो हैप्पी बर्थडे मना रहे थे अपना तो हम लोगों ने चल, सोचा चलिए ये हैप्पी बर्थडे का ये गिफ्ट हम लोग भी हमारी तरफ से भी दे तो डब्बा बड़ा है एक कमेंट आ रहा है वो बोल रहे बस मरने मारने की बात अभी तक हम लोग मरने हम लोग तो गिफ्ट दे रहे हैं ये एक्स मुस्लिम साहिल और जाहिल को गिफ्ट दे रहे भाई मरने मारने की कोई बात ही नहीं है हम तो गिफ्ट दे रहे हैं उनको हैप्पी बर्थडे का गिफ्ट है ये उनका सबसे पहले ये सौ रुपए आपके लिए क्योंकि आपके वो जो लोग देते हैं सौ सौ रुपए करके ये आप ले लीजिएगा सौ रुपए हमसे क्योंकि सौ रुपए पांच सौ रुपये बहुत लोग डोनेट करते हैं आपको सदका करते हैं खैरात करते हैं तो ये सदका खैरात पहले सौ रुपए आप रख लीजिएगा अपनी तरफ से और उसके बाद एक ओपन चैलेंज है साहिल और ये ओपन चैलेंज हमारे वो बोलते हैं कि बिना बैशाखी के इस्लाम तो बैशाखी पे चलता है ये लोग तो बैशाखी की बात करते हैं तो बिना बैशाखी के आए इस्लाम को बैशाखी ना बनाए ना ही और किसी बैशाखी को अपना ले के आए झूठ वाला और सीकर ये सबको वो आए बिना इस्लाम की बेशाखी के साथ उनको क्या ऑफर करना है इंसानियत ऑफर करना है एथिज्म ऑफर करना है ऑफर करना है वो आए ओपन चैलेंज डिबेट के लिए वो आए हमसे डिबेट कर सकते हैं ये हम लोग एक गिफ्ट देना चाह रहे हैं उनको अपना जो डिस्कशन है अपना जो एजेंडा है अपना जो बात है क्या वो ऑफर करना चाहते हैं एग्नोस्टिज्म तो उस पर लेके आए क्योंकि हम इस्लाम ऑफर करना चाहते तो हम इस्लाम की बात करेंगे आपको इस्लाम की बैशा, बैशाखी को यूज नहीं करना इस्लाम को कोट नहीं करना कुरान और हदीस को कोट नहीं करना है ये आप अपना तोहफा कबूल करें और इसके साथ हम लोग इनशाला आज के इस लाइव को लाइव को यहाँ पर इंशाल्लाह एंड करें बहुत सारे लोग कमेंट किए हैं मैं कुछ कुछ कमेंट्स को आ, ले लेना चाहता हूँ तू जा सच वाले लाइव है लाइव है सच वाले तो क्या करूं लाइव सच वाले के लाइव आए, आए सच वाले नेक्स्ट जो सच वाले को जिसने डिबेट में हराया था जिसको साहिल को जिसने डिबेट में हराया था नेक्स्ट संडे इंशाला उनको लेके आ रहे हैं और इनशाला अगर फिर भी सच वाले जो खुद बोल रहे उस डिबेट में कि मैं तो जाहिल हूँ मैं तो जाहिल हूँ मुझे तो पढ़ना नहीं आता मैं तो अरबी जानता नहीं हूँ उनको भी आना है तो आए जाहिल साहिल जाहिल तो है ही और साथ ही साथ सच वाले भी है तो वो भी है तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं जजाकल्ला ख़ैरन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे और लोगों तक भी पहुँचे ये हमारे और भी जो मुस्लिम भाई हैं जिनको रिप्लाई चाहिए एक्स मुस्लिम साहिल और जाहिल का उन लोगों तक भी ये पहुँचे बहुत सारे लोग कमेंट करे जजाकल्ला खैरन कमेंट के लिए जो लोगों ने भी कमेंट किया और वो जिजिया कितना था वो बताए नहीं वो लोग लगता है फ़रार हो गए क्या वो लोग दे, दे फ्लेड जो लोग वो बदल रहे थे कि डिबेट करो तो जब मैंने पूछा जिजिया कितना दिया जाता तो वो लोग फ्लेट करना घंटा आपने दिया है किसी के लाइव स्ट्रीम पे ऊपर कुछ नहीं किया घंटा बर्बाद सारा पैसा पानी कर दिया मतलब है सारा अपना पैसा पानी कर दिया एक छोटा सा क्वेश्चन किया कि कितना जिजिया दिया जाता था और एक रिप्लाई नहीं दे पाया बहुत नाउमीद निराश किया आप लोगों ने भाई तो जो लोग भी सलाम कर रहे हैं आप सभी को वालकम् असल वरहत ला वरकत मेरे भाई और जो लोग भी क्वेश्चंस कर रहे हैं जो लोग भी कमेंट्स कर रहे हैं साहिल एडम करके तो वो लोग साहिल एडम को जो लोग अपना मतलब कि पिता समझते हैं बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पिता है हमारे तो उन लोगों को भेजें इन उनको गिफ़्ट दे दिया है और कौन से मुफ्ती साहब वो पूछ रहे हैं। मुफ, फैंस और मुफ्ती वही मुफ्ती साहब जिनके आप फैन है उसी को हम लोग इनशाला लाएंगे कुछ लोग बोल रहे कि बहुत इकतीस वाचिंग है उस पर हाथ 71 अभी वाच है हमारा मेरे भाई जो लोग वो बोल रहे थे थर्टी वन ही है इनशाला वाच से कोई मतलब नहीं इनशाला सेवेंटी फाइव हमारा वाच है अभी इनशाला और भी बढ़ेगा और नहीं भी बढ़ा तो हक अगर एक इंसान भी हक बोल रहा है और सौ झूठ बोलने वाले लोग भी है तो एक का सच सौ के झूठ पे भारी रहता है अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पर शेयर कर देना चाहता हूँ बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि ये एक मुस्लिम जो आ गया है ये तो बहुत बड़ी बात है आधे तो ज्यादा फेक है जैसे कि मैंने देखा है आर्य समाजी था वो वो YouTube पे आके एक्स मुस्लिम बन के रखा रहता है और फिर बाद में जब WhatsApp पे कमेंट करता है तो आर्य समाजी बन जाता है उसी तरीके से निहारी पुलाव वाला भी था एक कि है या पुलाव है तो बोलता है पुलाव है मैं तो वो भी एक्स मुस्लिम फेक है उस तरीके से हंड्रेड से इस तरीके के चैनल से बहुत सारे मुसलमानों ने चैनल बनाए फेक है, मुस्लिम को हंड करते रहते हैं वो लोग दिन भर बैठ करके लेकिन उसके बाद भी कुरान में एक आयत थे अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह आले इमरान में सूरह नंबर तीन आयत में ताला कहते के जो लोग अहले किताब है वो लोग लो बोलते हैं कि इस पर ईमान ले आओ जो कि ये लोग बोलते हैं मतलब मुसलमान बोलते हैं और फिर क्या करो सुबह में तो ले आओ और शाम में क्या करना की वापिस लौटाना ताकि इन लोग की ये लोग सोचेंगे अरे क्या हो गया ये ये एजेंडा अगर कोई सोच रहा कि नया है तो मेरे भाई ये नया एजेंडा नहीं है ये 1400 साल पुराना आपका एजेंडा है इस्लाम उसके बावजूद इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग फेथ इस्लाम सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म है आप जाके बीबीसी का आर्टिकल पढ़िए आप प्यू रिसर्च सेंटर का डाटा पढ़िए आप उसी के साथ-साथ आरटी वर्ल्ड का डाटा पढ़िए इस्लाम इज इस द फास्टेस्ट ग्रोइंग फेथ ये 1400 साल से आपका एजेंडा चल रहा है इंशाल्लाह आप चलाते रहिए उसके बावजूद अल्लाह ताला के ये वादा है वल्जी अरसला रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक लियुझीरो उसी ने अपने रसूल को हिदायत देके दीन-ए-हक देके भेजा ताकि इस दीन को हर दिन पे غالب कर दे तो इसी तरीके से बहुत सारे और लोग भी कमेंट कर रहे थे जजाकल्ला खैरन आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए हम लोग एक घंटे में ही बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बहुत सारे नॉलेज आप लोगों को जिजिया के बारे में जैसे हम लोगों ने बताया जो कि उनका घंटे के मुजरा पार्टी में कुछ नहीं आपको मिलता है घंटे के लिए आपू घर बना के रखते हैं वहां पर झूठ वाला फरेब वाला डाकू वाला और दकैत वाला सबको बुलाते हैं कोई शकर है कोई सीकर है कोई क्या है सबको जमावड़ा कोई जलेबी है उसमें एक जलेबी भी आता उसका कोई जलेबी है कोई छुहाड़ा है कोई अंगूर है तो कोई रसगुल्ला है तो सब रसगुल्ला और जलेबी को लेके आए अपने इनशाला इन रसगुल्ला जलेबी से डरिए मत इनको हम लोग इनशाला खा जाएंगे रसगुल्ला जलेबी ऐसे भी हम लोग को पसंद है तो और बाकी जो भी इनके क्वेश्चंस रहेंगे आप हम लोगों को भेजिए हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे आप भेजिए इनशाला हम लोग जले इनके जलेबी को भी खाएंगे इनशाला इनके और भी चीज़ों को इनकी जहात को भी हम लोग जाहिर करते रहेंगे इनकी झूठ को हम लोग जाहिर करते रहेंगे और इन इनको बताएंगे कि हक़ क्या है सही बात क्या है सच्चाई क्या है इनशाला हम लोग इनको बताएंगे एक्स मुस्लिम कुछ वो बोल रहे एक्स मुस्लिम एक फितना है एक फितना है लेकिन इन अल्लाह से दुआ है कि इस फितना से हमको महफूज रखे और हमको पूरी ऐसा इल्म दे कि हम इन लोगों का जवाब दे सके आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आ, आ ए एस भाई कमेंट कर रहे हैं जाहिल खत्म होंगे इंशाल्लाह जाहिल खत्म होंगे एक दिन आपने दुआ कर दिया इंशाल्लाह हम भी इस पे कहते हैं आमीन कहते हैं कि जाहिल खत्म होंगे एक दिन जजाकअल्लाह खैरन आपके आप सभी के जुड़ने के लिए और आप सभी का ये करने के लिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे जरूर हमसे जुड़िएगा मुफ्ती आसिर जिन्होंने झूठ वाले से और साहिल की जो बोला जाता है चमड़ी उधेर देना वो चमड़ी उधेड़ दिए थे उन्होंने उन उन लोगों की लाइव डिबेट में उन उनके साथ उनको हम लोग इनशाला लाएंगे और वो जो डिबेट है उसके भी पार्ट्स हम लोग इन उसको भी हम लोग आ, जो बोला जाता है एडुटेनमेंट हमारे लिए एंटरटेनमेंट भी रहेगा एडुकेशन भी रहेगा इन हम लोग के लिए और भी चीज़ें उनसे सीखेंगे कि किस तरीके से ये फरेब फैलाते हैं और किस तरीके से ये अपनी बातों को झूठ को ये करते हैं ठीक है इंसान बोल रहे भाग क्यों रहे हो सच वाले लाइव है कहाँ कौन भाग रहा सच वाले को भेज दीजिए यहाँ पे इनशाला अगर सच वाले लाइव है तो सच वाले को भेज दीजिए यहाँ पर हम लोग बैठे हैं आपको स्ट्रीम का लिंक चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप का नंबर पे आप कमेंट कीजिए इनशाला हम लोग उनसे बात करेंगे और सच वाले की जो हसर हुई थी उस डिबेट में मुफ्ती यासिर के साथ और जो उसने बोला कि मैं जाहिल हूँ मैं जाहिल हूँ और जाहिल हूँ एक पेज अरबी का वो पढ़ नहीं पा रहा था एक पेज जो बोल रहा कि कुरान की मैं आयत बना के लाया हूँ उसको एक पेज अरबी का पढ़ने में उसको जेर जबर उसके मिल गए थे उसका जबान और सब चीज मिल गया था एक तरह एक पेज नहीं पढ़ा इनशा आएंगे झूठ वाले के ऊपर भी आएंगे नेक्स्ट वीक इंतजार करें तब तक इनशाला और इस वीडियो को शेयर कर दे जो लोग भी आ, देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर कर दे और इनशाला इन लोग ये लोग जो कचरा फैलाते दे, देखिए बच्चे कचड़े फैला देते है हमजा से एक दाई है फॉरेनर फौरन, फौरन, है वो बोलते हैं कि ये लोग जो करते हैं इनका काम है कचरा फैलाना बच्चे होते हैं ना घर में आए बच्चे कचरा फैला दिए या बदमाश बच्चे होते कुछ हमारा काम है कचरे को साफ करना देखिए कचरा फैलाना तुरंत हो जाता है लेकिन साफ़ करने में थोड़ा वक्त लगता है लेकिन इन इनके छः छः घंटा जो इन्होंने बेवकूफी की है और कचरा फैलाया इन इसको हम लोग साफ करेंगे और जो झूठ है इन लोगों के उसको हम लोग पर्दाफाश करेंगे और इन नेक्स्ट संडे आप लोग ज़रूर हमसे जुड़िएगा और जो भी आपके क्वेश्चन है उसको भी लेके आप लोग आइएगा और इस वीडियो को भी ज़रूर आप लोग शेयर कर दें और ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके जजाक खैरन वाख्र दावाना अनिलहमदुल्लाब आलमी